जितना भी है तो पैसे के जरिए खा जाता है। बदतमीजी से बात कीजिएगा आपसे, नहीं हम आपसे बदतमीजी से बात किए हैं, मतलब हम आपसे बदतमीजी से बात करना चाहते हैं। एक महिला का जला करके मार दिया गया सर, हम आपको सर बोल रहे हैं, आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं। महिला जब गई जला के मार दिया गया था, अब जब आप महिला यहाँ बैठी हुई है तो किनके पास जाए? अच्छा ये बताइए इनके साथ, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, इनके साथ बदतमीजी हुआ है तो कौन मिलेगा ये बताइए। तो ये गई है थाना पे, ये बोल रही है, खोद लीजिए इनसे, खुद आप बात कर लीजिए, भाई शाम में फिर ही जाएंगे, लीजिए आप इनसे बात कीजिए, देखिए बदतमीजी से बात भगिना हमको फोन कर दिया कि कहाँ है, हमने कहा कि हम घर पर है, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, फुलवारी थाना में हम है, तो हम चले आए।
अभी आए तो समूचा पता चल गया सच्चाई क्या। लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि उनको पहचाना नहीं गया थाना प्रभारी के द्वारा। अच्छा ये पहले बताइए, टेलीफोन में आधा बात सुनाई देता है आधा बात सुनाई नहीं देता है, तो थाना प्रभारी अगर बोल दीजिए कि भाई बोलिए दिया होगा कि भाई कौन है तेज प्रताप, तो उधर से आदमी जो बोला होगा उसको बोलना चाहिए था कि एक्स मिनिस्टर और वर्तमान विधायक है, माननीय विधायक है, तो कोई भी माननीय सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता है कोई भी थाना प्रभारी। हमको फोन के घर बगल में ना, थाना के बगल में मेरा घर है, सब पूरा थाना का स्टाफ जानते हैं सब लोग। उनका आरोप है कि थाने में शराब रखी गई थी। अरे भाई थाना में तो शराब पहले से जो पकड़ा गया है उसका है, ओपन ओपन रखी हुआ है। नहीं नहीं, अरे केस का है ना, मामले को आपने लिया समझ लिया, क्या लगा? हमको तो लगा कि गलतफहमी में ये सब हुआ है। आप तेज प्रताप के साथ खड़े हैं पूरे हर मुद्दे पे, जैसे इनके ऊपर समस्या शुरू हुई है। भाई हम तो बोल रहे हैं कि मेरा भगना है, बगल में घर है, बुलाया कि क्या बात है, हम चले आए। बिल्कुल परिवार के साथ भले ही खड़े रहे लेकिन भांजे के साथ पूरी तरह से। अरे भाई कोई भी बात अगर कोई अभी हो गया, ये बताइए क्या लगा आप पूरे मामले को बैठ के समझे हैं, क्या है पूरा मामला? FIR हो गया, जिनका समस्या था उनका समाधान ये लोग बैठ के थाना प्रभारी और DSP रामाकांत जी भी आ गए हैं, तो सब लोग मिल करके बैठ के उनका सलूशन निकाल रहे हैं। और हम यहाँ आए तो पता चला कि FIR का मामला है, उसी के चलते यहाँ जनता दरबार से उठ के सारे लोग चले आए धरना पर। तो कहीं ना कहीं टेलीफोन में आधा आवाज सुनाई देता है आधा आवाज सुनाई नहीं देता है, उसी में कोई बात हुआ होगा। क्या कहेंगे जिस तरह जनप्रतिनिधि वो थाने आने पर FIR दर्ज? अरे भाई वो तो सैकड़ों FIR दर्ज करते हैं, रोज करते हैं। दादू जी हाँ, बोल रहे हैं कि हमने आपको फोन किया था आने के लिए। हाँ नहीं, तेज प्रताप हमको फोन किया कि ऐसे ऐसे थाना में हम हैं फुलवारी, मेरे साथ कुछ बदसलूकी हुआ है, तो हम तुरंत जो है चले आए, हम घर पर थे ही, हम चले आए यहाँ, तो जाम लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के आने में हमको 30-40 मिनट लगे। वो तो निलंबन पड़े हुए कि निलंबित कर रहा होगा थाना प्रभारी, अभी भी वो यही बोल कर यहाँ से बोले कि CM से भी मिलेंगे। तो ठीक है भाई, वो जनप्रतिनिधि है ना, माननीय सदस्य है, अब माननीय सदस्य मुख्यमंत्री से मिले, सबसे मिलने का उसको राइट है। आप उनके साथ खड़े हैं उनके हर फैसले के साथ? अरे भाई आप बातें नहीं समझिएगा, आप लोगों को क्यों भी ना, मतलब बालू से तेल क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप लोग, मतलब आप तेज प्रताप के साथ खड़े हैं? कहीं आप देख रहे हैं हमको ना कि नहीं देखे, हो गया थाना में आए ना। बिल्कुल तेज प्रताप यादव के साथ उनके मामा साधु यादव खड़े हैं। तेज प्रताप को जब मुसीबत पड़ी तो सबसे पहले उन्हें मामा की याद आई और मामा सीधे दौड़े। विधानसभा के मैं सदस्य हूँ, मैं सर को बोला था FIR करने के लिए। नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं मिली उसे। नहीं सुने आप पूरी बात नहीं सुने, मिली नहीं थी हमसे, हमने कहा कि वो मिली नहीं है, वो उनको भेज दीजिए, मैं केस कर दूंगा। नहीं आप पूरा बात सुन नहीं पाए, पूरा बात नहीं सुने, आप बोले कि कौन है तेज प्रताप, हम नहीं जानते हैं तेज प्रताप। वो रिकॉर्डिंग है ना प्रेस के भाई लोग, प्रेस के भाई लोग आप बोले थे सर, आप WG भी आए थे, कहा कि मंजू लता जी को भेज दीजिए, उन्होंने आपसे नहीं मिले, मैं FIR कर दूंगा उनका। बुलाइए उनको, बुलाइए। सरकारी कार्य होती है यहाँ पे, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं लगाई, नहीं नहीं सरकारी कार्य है। हाँ तो सुनिए कार्रवाई, नहीं मैं मंजू लता जी के पास मेल कर देता हूँ। चलिए चलो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है। अरे उनको आने दीजिए, आप लोग हटी ना, आप लोग हटी ना, आप लोग उनको आने। प्रकाश को बोलो ना लेकर गया, उनको आने दीजिए ना, साइड हो जाएगा तो आ जाएंगे ना, फिर क्या करना है।
महिला है। आप मिली हैं? हम नहीं मिले, मेरी माँ मिली है। ठीक है, माँ तो मिली, लेकिन माँ आए हैं? नहीं, आज नहीं आए। हमसे नहीं मिली? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं यही बात उनको ही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। मुझसे नहीं मिली है, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन एफ आई आर ले लीजिए। अभी तमाम लोग आप लोग सुने थे कि नहीं सुने? तो आप लोग तो सब सुने होंगे कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। नहीं, पूरे पूरे बिहार का ये स्थिति है, केवल ये फुलवारी थाना एक मिनट रुकिए, सब जगह का ये स्थिति बना हुआ है। इसमें सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इसे ठीक तरीके से एक्शन नहीं ली जा रहा, जनता के प्रतिनिधि को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उधर से हट जाओ, उधर से हटो। इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। एफ आई आर लेना चाहिए। आप कौन है, तेज प्रताप कौन है, मैं नहीं जानता, ये इन्होंने बोला, सब लोग सुने हैं, पूरे प्रेस के लोग सुने हैं। हम लिखित देना चाहते हैं, इन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार जी से भी बात करेंगे, अभी जाएंगे नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे। चलिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। इन्होंने मुझे फोन किया था कि ये मंजुलता कुमारी हमसे मिली। मैंने कहा कि मंजुलता कुमारी हमसे नहीं बोली है, मिली है। ये बोले कि मंजुलता कुमारी आपसे मिली, बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इन्होंने कहा कि तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं ये बताया कि नहीं। हाँ, मैं मतलब मदर आ जाए, मदर बता दे हमसे मिली है, मैं रिजाइन दे दूंगा सर। अगर वो मुझसे मिल ली होंगे मैं रिजाइन दूंगा अभी। अगर वो मिली होंगे तो मैं रिजाइन दे दूंगा। जनता से आपसे कहीं बदतमीजी से बात नहीं किया, मैंने आपसे बात किया। मैंने आपसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं मिली है, तो आप बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप तो आपसे हमसे मिले ही नहीं मंजुलता के लिए पहले कभी। तेज आप कौन है? आप मीडिया के हैं तो क्या बात बोले हैं? हम क्या बोले हैं? मैंने ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। अरे बोले तो होगा, रिकॉर्डिंग होगा। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, आप चैंबर में बैठे हैं, मैं यहाँ सरकारी सेवक हूँ, मैं सरकारी कार्यकर्ता हूँ। आप एक आवेदन के लिए मुझसे मिल चुके हैं, मैं आपका कार्य कर रहा हूँ। मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ। सब बदतमीजी से बात किया, आप हमसे बदतमीजी से, आप बदतमीजी से क्या बात किया? चलिए, आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बारिश नहीं कर रहा, आप हमारे आप बदतमीजी से बात किए। जनता के प्रतिनिधि, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, जान लीजिए आप, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, विधानसभा के सदस्य कंप्लीट नहीं है आपकी। आपको ये पता नहीं है कुछ की वो घटना था मेरे यहाँ है या दूसरे जगह है, इसलिए बता रही है। नहीं, मैं अपना काम करूंगा, फिर आवेदन में आपका आप बताइए, ये जो आवेदन आप लिख के दिए हैं, ये आवेदन आप तरीके से चिल्ला रहे हैं, आप इस तरीके से चिल्ला रहे, देख लीजिए क्या व्यवहार। आप चिल्ला रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं जनता के प्रतिनिधि से। अरे आप बहस कर रहे हैं, सरकार आ रहा है अपना, जान लीजिए, बता दे रहा हूँ आपको। जनता, तीन चुनाव हुआ है, देख लीजिए तमाम जगह, पूरा बिहार का जनता। आप तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यही कार्रवाई कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास, देख लीजिए क्या कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। जब हमसे बदतमीजी से पेश आए, हो गया था, जिसे एक बार फिर से तेज प्रताप यादव नहीं पाए, गलत
गाँव वाले पार्टी में जो दूसरे नेता है वो उनका जनता से मिलना जुलना कम हो जाता है, यही वजह है कि पार्टी कार्यालय में लोग नहीं दिख रहे हैं। दूसरे नेता क्या करना क्या नहीं करना वहाँ क्या जाना है, अब तेज प्रताप यादव क्या करना है वो जान रही है जनता, या तेजस्वी जी क्या करना है वो जनता जान रही है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इतना मेहनत करके अपना खेत बना करके क्या उसमें पानी पटाने का काम कर रहा है, उसको और सींचने का काम कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई फरियादी आए तो उनका बस एक ही शिकायत थी कि आरजेडी के नेताओं से मुलाकात नहीं होती है, लिहाजा जनता दरबार बहुत अच्छा है, कम से कम हम अपनी बात अपने नेता से कर। सब अपना बात रखा है, सब अपना समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, थाना पे केस मुकदमा, जमीन का समस्या है, बहुत तरीके का समस्या। जनता की समस्या जब यहाँ आती है तो आप उसे फोन करके थानेदार को या फिर दूसरे विभाग के लोगों को सूचना दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए। विधायक कुछ लोग लगाए, अरुण जी लगाते हैं लगातार, और लोग विधायक लोग लगातार। काहे नहीं देंगे निर्देश, जनता के बीच में रहना चाहिए, झूठ उठ का गाड़ी में बैठ के घूमने से फायदा है, जनता के बीच में रहना चाहिए। जिस तरीके से समस्या आया उसका निदान भी आप यहाँ से करते जाना, तो कितने साल तक ये जनता दरबार आपका चलते रह गया, पटना में ही चले गए पटना से बाहर? भाई जनता दरबार का अंत थोड़े है या नेता का अंत है, चलता रहता है। चाचा जी भी जनता दरबार लगाया करते थे? तो चाचा जी जनता दरबार लगाते थे, कितना का काम हुआ उसमें आप बताइए ना, कितना का काम होता था उसमें, या जमीन पर दिखता था नहीं दिखता था काम? अब वो सब जनता आया अपना अपना समस्या लेके, हम डायरेक्ट फोन लगा करके बोलते हैं, वो तो उतना बड़ा बड़ा अधिकारी अफसरों को बैठा करके रखते हैं फिर भी काम नहीं हो पाता है। कागज पे होता था काम, कागज पे लिखित तौर पर सर लिख दिए, हाँ जाइए आपका हो जाएगा, कहाँ होता था ग्राउंड लेवल पर, नहीं होता था उनका काम। आपकी बात आप जिन पदाधिकारी को फोन कर रहे हैं वो लग रहा है कि सुनेंगे, क्योंकि आप सत्ता में तो है नहीं। नहीं सुनेंगे तो थाना पर चढ़ जाएंगे हम, आंदोलन कर देंगे, सुनना पड़ेगा। आप अपने पिता के चैम्बर में जाते हैं और जब भी पार्टी पिता के चैम्बर में जाते हैं लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, अलग कुर्सी पे बैठते हैं। कुछ लोग इसको अफवाह बना रहे थे मीडिया के लोग कि उनके कुर्सी पे मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन वो गलत बात है, उनके कुर्सी पे मैं नहीं बैठता हूँ, उनके चैम्बर में इसलिए मैं जाता हूँ, वो भी स्पष्ट सुन लीजिए आप, उनके चैम्बर में इसलिए मैं जाता हूँ कि हमको ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है। तो पिता के ऊर्जा से, पिता के चैम्बर में जो ताकत है, पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता से सीधे जुड़ने का जो ये आपका फायदा? अरे हमारे गुरु हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तो उनके मार्गदर्शन पर नहीं चलेंगे तो किसके चलेंगे हम? अभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मिल के हम आए तो मेरे पिता है तो आपका सपोर्ट करेंगे क्या? तेज प्रताप जी जनता दरबार भी लग गया, लेकिन जनता के बीच में आएगा मसला ना, तब आप लोगों को बुझाएगा कि तेज प्रताप यादव सही था। इसको जनता के बीच भी लाइएगा तेज प्रताप जी, उस समय आने पर आइए ना जाएगा, छापिए, हम डरते हैं तो इसको ज्यादा मत उछालिएगा ना तो केस हो जाएगा आप ही के ऊपर, कोर्ट से आदेश आ चुका है आपके निशाने पर, एक दो दिन में निकल जाएगा इसका। आपके निशाने पर भाजपा है या नीतीश कुमार? आरएसएस, आरएसएस मोहन भागवत जी से हमारी लड़ाई है, मोहन भागवत जी से, बीजेपी, आरएसएस। चाचा के प्रति थोड़ा सा नरम है? चाचा के प्रति कौन नहीं नरम होता है, लड़ाई तो चाचा से है ही मेरा पॉलिटिकल, लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो सबसे होता है। लोगों का कहना है कि पार्टी में कहीं ना कहीं एक मजबूती से अपनी पकड़ बनाने के लिए तेज प्रताप पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। हम पहले भी अपना पार्टी में पकड़ बनाए हुए हैं, आप पहले से मेरा पार्टी में पकड़ है क्या जी? है ना, अगर पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलती है तो बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो उसको निभाया जाएगा। कब मिलेगा? पार्टी की सभी बड़ी जिम्मेवारी को निभाइएगा, सबको निभाएंगे। परिवार से दूर होते हुए? परिवार को अभी नहीं देखना है, अभी जनता को देखना है। 2019 की जो लड़ाई है उसे आप कहाँ से लड़िएगा, परिवार से या पार्टी से? फिर आप परिवार परिवार कर रहे हैं, आपको हमारे परिवार से क्या नफरत है? मतलब परिवार में आपको क्या नफरत है? परिवार में रहते हैं या परिवार से? आपको क्या नफरत है लालू एंड फैमिली से? कोई नफरत? गरीब को ऊंचा पहुंचाने का काम किया, गरीबों को उत्थान की ओर ले गया, ये नफरत है आपको? नफरत हमें नहीं, आपके विरोधियों को। अब तो जेडीयू ने भी सवाल कहा और आपकी तारीफ कर रहे हैं कि तेज प्रताप की पकड़ अच्छी है, तेज प्रताप को लोग पसंद करते हैं, तेज प्रताप जेडीयू की तरफ झुके हैं। पसंद करते हैं वो अलग की बात है, सब हमको पसंद करता है। जेडीयू में कुछ है, जेडीयू के विधायक तो इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हीं का बात नहीं सुना जा रहा है। हाँ श्याम बहादुर जी का, श्याम बहादुर जी उनके लिए स्वागत है,
वहाँ है यहाँ। अब जेडीयू के लोगों को निमंत्रण दीजिएगा। कहाँ नहीं देंगे, लिखित में अभी भेज देता है निमंत्रण। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव अपने पिता के पदचिन्ह